हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट और आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन है सामाजिक विज्ञान का यानी एसएससी का, तो मैं आप लोगों के लिए ये लेकर के आ चुका हूँ वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखना शुरू करते हैं प्रश्न और उसके उत्तर। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन, अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला है किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पेरिस संधि द्वारा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी। अगला है रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संविदा। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जॉर्ज वाशिंगटन, सैमुअल एडम्स, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं था। जब ये नारा देने वाले व्यक्ति थे जेम्स ओटिस, इसलिए इसका जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सप्तवर्षीय युद्ध यानी 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी में दो देशों के बीच लड़ा गया था, किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो किस प्रसिद्ध शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लुई फोर्टीन ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। अगला है बिस्मार्क का संबंध किस देश से है, तो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से है यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पर्ल हार्बर पर जापान के द्वारा हमला किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मीन कैम्फ। ये जो है आपका हिटलर का आत्मकथा, इसमें आप लोग भी इसमें पढ़ सकते हैं। टेले कर क्या था, तो टेले कर जो होता था वो एक तरह से धार्मिक कर था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है, तो ये हो जाएगा उत्पादन का साधन जो है उपभोग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला है भौतिक पूंजी का गुण क्या है, तो यहाँ पर आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही है, निष्क्रिय, मूर्त, ह्रास भी हो सकता है। भौतिक पूंजी में क्या हो सकता है कि कभी कभी पैसा लगाने से वो उतना है, मतलब उसमें कोई भी वृद्धि न घटोतरी देखने को मिलती है। दूसरा क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत, और उसके बाद ह्रास भी हो सकता है यानी कि कमी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है इसका सही आंसर। अगला निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, शिक्षा सभी मानवीय पूंजी है, लेकिन अकुशलता जो है वो मानवीय पूंजी मैं नहीं गिना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या, यहाँ पे देखिएगा ये जो नहीं जो लिखा हुआ है गलत है। यहाँ पे भारत में सभी तरह से आर्थिक विषमता भी है, औद्योगिक विकास भी है, गरीबी भी है, यहाँ भारत की आर्थिक समस्या ये सभी है, इसलिए इनमें से सभी यहाँ पर नहीं जो है गलत प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड का गठन कब हुआ था, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड पहले बिहार में ही सम्मिलित था, जिसका गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी कि बिहार विभक्ति हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ था, तो ये 2006 ईस्वी में ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो अगला है बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है, तो बिहार में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो एक तरह से चक्रीय बेरोजगारी है जो कि लगातार चलती रहती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है, तो यह है 63.82%, अब जो है फिलहाल बढ़ गई है। अगला सवाल है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय प्रणाली। अगला है समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है, तो समवर्ती में अगर बात किया जाए तो केंद्र के पास अधिक शक्ति रहती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग के पास तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर के भारत में प्रवेश करती है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश से।
अगला है, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, गंगा नदी। अगला है, किस नदी को बृद गंगा भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को बृद गंगा भी कहा जाता है। अगला है, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्न में से किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है, यहाँ पे निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर के गुजरता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, मकर रेखा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, अगर यही अगर लोकसभा के जगह पे विधानसभा रहता तो 4 वर्ष हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सॉरी 6 वर्ष हो जाता। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होता है मासीराम, यानी जो कि है मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है, यहाँ पे भारत में, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग अगर देखेंगे तो किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों से होकर के गुजरती है, इसलिए इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो साहसी एवं परिश्रमी कहलाते हैं, परिश्रमिक कहलाता है, तो साहसी का परिश्रमिक कहलाता है, तो ये साहसी जो परिश्रम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मजदूरी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक यहाँ लोग खेतीबाड़ी यानी कि कृषि का कार्य करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला सवाल आता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो कृषि से संबंधित है, यानी कि खेतीबाड़ी से संबंधित है। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो ये है आपका कैगा। कैगा जो है वो भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि 40 प्रश्न ही आप लोग से पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें ताकि आप लोग को सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया जा सके और आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का सही आंसर बना करके आ सकें। तो इस वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल के साथ प्यार बना करके रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। बाय बाय।